Your English teacher Bhumika Shah welcomes you all back to another session of your English online classes. So my dear students, as you might be remembering that in the previous class we were dealing a new chapter that was translation of words in Hindi. Yes, we did almost I think three classes we did of that, right? Teen classes mein hum logon ne us chapter ko complete kiya tha, that was translation of words in Hindi. Translation matlab kisi bhi word ya statement ko jab hum एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं या लिखते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन. व्हेन यू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग को बदले, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसलेशन. एंड व्हाट वी डिड, हम इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे एंड वी कंप्लीटेड दैट लेसन. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज वर्क. टेक्सबुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज उसे हम नोटबुक में करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वेयर योर हेडफोन्स, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक एंड गेट रेडी फॉर टुडेस क्लास. सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेसन नंबर 11 एट द टॉप एंड यू आर गोइंग टू राइट ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इन हिंदी एंड दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो लेट्स लुक देम अ लिटिल क्लोजर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द वर्ड्स इन हिंदी. चैप्टर में हमने जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, बस वही चीज़ है, उससे हम एक बार देखेंगे. क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में उसे हमको सॉल्व करने. सो एज इट सेज नन, क्या है इसका आंसर, कोई भी नहीं, लिटिल थोड़ा. आपको टेक्स्ट बुक में भी इसके आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, द कॉलम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट ऑल्सो दैट इज द सेम आंसर वी आर राइटिंग इट ओवर हियर. सो लेस, लेस का क्या होगा, कम. आई, आई को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं. वी, हम. यू, तुम या फिर आप. दे, वे. ही, वह. शी, वह. एंड नेक्स्ट इज इट, तो उसका भी यह या वह. ओके, सो दीज वर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द वर्ड्स इन हिंदी. सो देयर वर टोटल 10 वर्ड्स व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इन हिंदी एंड दीज आर द आंसर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रांसलेट द वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश. वर्ड्स को हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और साथ में उसका सेंटेंस भी बनाना है हमको इंग्लिश में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट सेज व्हाट. ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या एंड द सेंटेंस विल बी व्हाट आर यू डूइंग. हमने एक सेंटेंस बना लिया, व्हाट आर यू डूइंग. ओके, तुम क्या कर रहे हो. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अ मिस्टेक आई हैव डन, सो जस्ट लीव दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वाई. वाई को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, वो क्यों. ओके, देन इट गोज वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू शाउटिंग. ओके, देन कम्स 3, दीज, दीज ये. ओके, सो दिस दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सम, एस ओ एम ई सम, तो उसे जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो क्या बन जाएगा, कुछ, कुछ. सो आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए. देन दोज, दोज. सो फॉर दैट दोज वो या वे, द सेंटेंस इज दोज बॉक्सेज आर ह्यूज, दोज बॉक्सेज आर ह्यूज. नाउ नेक्स्ट वर्ड दिस, इसका हो जाएगा यह. ओके, एंड द सेंटेंस इज आई विल प्ले विथ दिस बैट, आई विल प्ले विथ दिस बैट. देन 7, हियर, इधर और यहाँ, तो सेंटेंस इज यू कैन कीप योर बैग्स हियर, यू कैन कीप योर बैग्स हियर. नाउ 8, हाउ, हाउ को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, कैसे. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. ओके, देन लास्ट टू वर्ड्स मैनी, बहुत से या कितने, बहुत से और कितने. सो सेंटेंस इज आई हैव टू मैनी क्लोथ्स, आई हैव टू मैनी क्लोथ्स, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मेरे पास बहुत से मैनी क्लोथ्स. ओके, देन 10, शी, शी का होता है वह, तो आंसर इज स्ट्रेट सेंटेंस इज शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड. ओके, सो दीज वर ऑल्सो 10 वर्ड्स माई डियर स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं. ये तो पिछले चैप्टर में आपने किया था,
मैम के साथ नाउन लेसन. ओके देन आफ्टर दैट वी डिड ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इन हिंदी. सो ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इन हिंदी में फर्स्ट 10 वर्ड्स थे जिसको हिंदी में हमें ट्रांसलेट करने थे, राइट. देन आफ्टरवर्ड्स 10 मोर वर्ड्स वर देयर जिसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट भी करना था, उसके सेंटेंस भी बनाते थे. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर लेसन. सो आई होप आप अपने नोटबुक्स कंप्लीट करेंगे और इन सभी को आप याद भी करेंगे अच्छे से. ओके आपको ये याद भी करना है क्योंकि ये ईजी होगी, आप याद कर लोगे तो आप हिंदी में जो भी बोलते हो ना उसको आप इंग्लिश में भी ईजिली ट्रांसलेट करके बोल पाओगे, राइट माई डियर स्टूडेंट्स. सो विद दिस वी कंप्लीटेड टूडेज क्लास. योर इंग्लिश टीचर विल बी बैक अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू टॉपिक्स टू स्टडी टुगेदर. Till then, my dear students, take care. Goodbye.